एस पे है, क्या ये एम्प्लॉय जम्मू प्रोविंस ही है खाली या बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी है, पूरे जम्मू प्रोविंस से या इकलौते जम्मू डिस्ट्रिक्ट? ये जम्मू प्रोविंस है, जम्मू प्रोविंस नहीं, पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, जो जम्मू जम्मू शहर के जो है। कितने दिन से आप यहाँ खड़े हैं? बैठने के बाद मैं जरूर चाहूंगा कि कैमरामैन भी इधर से वो कैमरा दिखाई दे कि किस तरीके से नीचे बैठकर जो आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, दैनिक शिवचा में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये नजारा जो शुरू से हमने दिखाया आपको कि चीफ इंजीनियर ऑफिस जो कि बीसी रोड में है, यहाँ पर आज परमानेंट एम्प्लॉयज ने भी धावा बोला है, यानी चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर ताला जड़ दिया है। यानी ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, जहाँ एक तरफ डेली वेजर्स लगातार पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज परमानेंट एम्प्लॉयज ने भी धावा बोल दिया है। यानी कमियां कहाँ पर, आज मजबूरन इन लोगों को चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर ताला जड़ना पड़ा। यानी ये नौबत आन पड़ी है, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। जहां एक तरफ डेली वेजर्स हाहाकार मचा रहे हैं, उनकी परेशानियों का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, और वही दूसरी तरफ आज ये परमानेंट एम्प्लॉई बीसी रोड चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर। यानी अगर आप सीधी उंगली से घी ना निकलेगा तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा तो करना पड़ता है, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत थी, पर आज वो कहावत यहाँ पर सत्य होती नजर आ रही है। डेली वेजर तो छोड़िए, वो तो चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से अपने हक की मांग कर रहे हैं। आज आप इस समय देख रहे हैं, हम भगत साहब से कहेंगे कैमरे को पूरा घुमाइए जरा, आज यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉयज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं आके लाइव दृश्य दैनिक शिवटाइम के माध्यम से। अब ये किस तरह का प्रदर्शन है ये हम भी नहीं जानते, यानी चीफ इंजीनियर ऑफिस के रूम के बाहर लॉक लगा दिया गया है, और जानेंगे जरूर आखिर क्या ऐसी आपदा आन पड़ी कि इन्हें ताला जड़ना पड़ा। चलो यार दे दो भाई, चलिए इनसे जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद मुश्ताक। आज क्या हुआ कि ताला झड़ना पड़ गया आपको? ये ताला मजबूरी की हालत में है, पिछले वैसे तो 15-20 साल से सफर कर रहे हैं हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज डीपीसी के रिलेटेड, और हमारे चीफ इंजीनियर साहब की तरफ से पिछले 4 महीने से कमिटमेंट पे कमिटमेंट, 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन 6 दिन वो लेते लेते आज हो गए 4 महीने, जो हमने एक दिन का काम छोड़ हड़ताल का प्रोग्राम दिया हुआ था वो हमने कैंसिल किया था चीफ इंजीनियर के कहने पे। हम ये नहीं चाहते थे, फिर भी हम टाइम टू टाइम चीफ साहब से मुलाकात करते थे, मुलाकात होती रहती थी, हाँ जी परसों हो जाएगी, फलाना डिवीज़न की अभी लिस्टें बाकी हैं, तो फिर 15 दिन का टाइम पहले दिया हुआ था इनको, आज तक कुछ नहीं हुआ। 15 दिन के बाद हमने आज चीफ इंजीनियर ऑफिस को लॉक किया हुआ है, चीफ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, और हमारी डिमांडें जो है डीपीसी है, 380 SRO है जिसकी अमेंडमेंट होना बाकी है, SRO 43 के केसेस जो हैं 500-700 के करीब पड़े हुए हैं, जो लोगों की मजबूर हालत में एक तो उन्होंने घर का सदस्य खोया होता है, दूसरा वो दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा SRO 49, SRO 149, ये 2 SRO मिला के एक लोगों को, हमारे मुलाजमों को एक बेनिफिट दिया गया था, आज उसकी जो रिकवरी सरकार करती है 20 साल नौकरी 25 साल करने के बाद जब घर जाता है तो उसके हाथ में एक फटका दिया जाता है, जी आपकी पेमेंट जो है ये सब खत्म होगी। क्यों होगी जी? आपको रिकवरी होगी। मुलाजम अपने हाथ से ना ही वो अपनी प्रमोशन कर पाता है, ना ही वो ग्रेड चेंज कर पाता है, ना ही कोई बेनिफिट ले पाता है, सरकार देती है और उसके बाद में उसकी वो कटौती करना शुरू कर देती है। हम चाहते हैं कि उसे वन टाइम सेटलमेंट करके वो रिकवरी जो है वो स्टॉप की जाए, उसके बाद जी पूछें आप जी। यहाँ पर जो मुलाजिम इस समय एकत्रित हुए सिर्फ जम्मू से या अलग अलग? हमारे मेन जो लीडर हैं जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भी आए होंगे, मैक्सिमम हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जो नियर हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे सांबा है, कठुआ है, अखनूर तक ही है। आपको बार बार आप वो मुद्दे रखते हैं पर आप उन पर सुनवाई नहीं होती, बार बार आपको समय दिया जाता, आखिर क्या कारण है? डीपीसी की बात करें, डीपीसी क्यों नहीं हो रही, इतने सालों से क्यों आप वंचित हैं?
मैम ये जो इनकी मुलाजिम विरोधी एक सिस्टम चल रहा है पूरी सरकार के अंदर, हमारे आपने पहले भी एक नारा सुना होगा, एक विधान एक संविधान एक निशान, अब क्या है एक स्टेट में दो कानून चल रहे हैं, कश्मीर में अलग जम्मू में अलग। कश्मीर में एक सब डिवीजन जो है वो ट्रांसफर किया गया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, जम्मू के अंदर चार डिवीजन ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक है। उसको चलते मुलाजिम को आज 20 तारीख हो गई, हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज को भी सैलरी नहीं मिल रही है, क्यों कि उनके पास बर्डन ज्यादा है, वो हमें हैंडल नहीं अच्छे से कर पाते और ये तो एक्स्ट्रा बर्डन उन पर डाल दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये दोबारा जो DDO पावर्स हैं हमारे एक्सिंस के पास ही रहनी चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुंशीराम बाली है सर। कहाँ से? मैं रियासी, मेरा डिवीजन है, मैं रियासी से आया हूँ। सर किस तरह का निजाम चल रहा है आज? कर्मचारी ऑफिस के बाहर ताला लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। देखिए आपको सारा पता है, मैं पहले आपका शुक्रिया करता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं कि ये जो आज की जो मौजूदा सरकार है, जब सरकार ने जो अफसर जहाँ पर लगाए हुए हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जैसे कि डेली वेयर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, ऐसे ही ये परमानेंट स्टाफ को भी स्ट्राइक पटरी पर लाना चाहते हैं, स्ट्राइक पर लाना चाहते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी जहां पर मीटिंग हुई, PHE जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनके साथ हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे जो मसले हैं, DPC का मसला था हमारा, SRO 43 का मसला था, SRO 59 का मसला था, SRO 49 का मसला था, जिनकी रिकवरी कर रहे हैं जी, वो सारी बातें उनके साथ हमारी हुई। उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन का, 1 महीने का टाइम दो, उसके बाद हम आपके जो मसले हैं, जो डिमांडे हैं, ये हल कर देंगे। लेकिन हमने देखते देखते, रोज हम हफ्ते के बाद चीफ साहब के पास आते हैं जी, आपने हमारे साथ वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। कितनी बार हम उनको अपना मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन 4 महीने 5 महीने हो गए हैं, उन्होंने हमारा एक भी मसला हल नहीं किया। क्या जे हमें भी जे डेली बेयर की तरह हमें भी जे पटरी पर लाना चाहते हैं? जे इन लोगों ने परमानेंट स्टाफ जो है, जो आप जानते हैं कि जब डेली बेयर स्ट्राइक पर था, परमानेंट लोगों ने पानी पिलाया है, परमानेंट लोगों ने 24 घंटे काम किया है, तभी तक जाकर लोगों को पानी मिला है, उन्होंने दिन रात काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि डेली बेस जो है वो पूरा स्टाफ भर काम छोड़ हड़ताल पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके इन्होंने हमें इनाम देना चाहिए था, उसके नाम देने के बजाय हमारे जो मसले हैं वो भी इन्होंने पेंडल कर दिए। ये किस तरह की तानाशाही चल रही है? देखिए यही मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है? हमारा जो 59 का मसला है वो इन्होंने जब जरूरत पड़ी उस वक्त लोगों को दे दिया, हमारे एम्प्लॉइज को जो दे दिया, लेकिन उसके बाद जो रिटायरमेंट लेकर जाता है उसकी जो रिकवरी कर देते हैं, जितना पैसा उनका बकाया लीव सैलरी बनती है, उनका जो ग्रेजुएटी बनती है, वो सारी इजी ऑफिस वाले काट लेते हैं, और वो बेचारा जो है वो रोता रोता घर को जाता है, क्या लेकर जाता है वो घर को? आत्मनिर्भर भारत की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं जी। तो यहाँ पर रोजगार देने की बात भी होती है, जिनको दिया हुआ है वो खुद से उनको पूरा नहीं हो रहा, या ना उनका पूरा मसला हल नहीं हो रहा, जिनको आधा अधूरा है उनको पूरा नहीं मिल रहा, तो चल क्या रहा हमें कुछ समझ नहीं। यही मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि इनके भाषण जो हैं ये बड़े बड़े भाषण करते हैं जब लोगों के बीच, पब्लिक के बीच जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ग्राउंड लेवल पर जीरो हैं ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया। एम्प्लॉइज अब एम्प्लॉइज के पीछे पड़े हुए हैं, अब कहते हैं जी बायोमीटर हाजिरी लगाओ। आपने देखा कि डिप्टी, हम अगर किसी स्टेशन पर डिप्टी जिसकी है वो 30 किलोमीटर जाकर के हाजिरी लगाने के लिए जाएगा, कैसे जाएगा? इन्होंने गाड़ियां रखी है उसके लिए, और वहां पर जो डिप्टी लोग कर रहे हैं, हमारे जो पंपिंग स्टेशन बने हैं, ये जम्मू के अंदर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, फील्ड स्टाफ के अंदर की बात कर रहा हूँ, वहां पर बैठने के लिए इन्होंने कोई कमरा नहीं, कोई स्टेशन नहीं बनाया, कोई बारी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, वो खिड़की नहीं, ऐसे जो ओपन स्टेशन बनाए हुए हैं वहां पर लोग हमारे डिप्टी करते हैं, तो वो कैसे जाएंगे हाजिरी लगाने के लिए 30 किलोमीटर दूर? आज मोहर का द्रमाड़ी का जो हमारा एरिया है वो हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर कैसे आज पुंछ जोरी का जो हमारा एरिया है वो बॉर्डर का एरिया है, कैसे जाएंगे लोग? अगर डिप्टी यहां पर कहेंगे फिर 30 किलोमीटर जाकर के 40 किलोमीटर वो हाजिरी लगाने के लिए जाएंगे, ये कैसा कानून है इन्होंने हमारे जो अम्बाज भाई उस पर थोप दिया इन लोगों ने? लगातार फरमान बेफरमान और कानून के कानून थोपे जा रहे हैं आम जनता पर, जिसे जनता नहीं चाहती उसे वो आप दे देते हैं, जो जनता चाहती वो देकर राजी नहीं है, आखिर किस तरह का निजाम चल रहा है? चलिए अंदर चलें, जाने की कोशिश करते हैं। चीफ इंजीनियर साहब अंदर हैं, हमेश मनचंदा जी, उनके ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जनाब, ताला जड़ दिया है, अब कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता। चलिए चीफ इंजीनियर ऑफिस के वहाँ बिल्कुल ताले के पास जाइए जरा, उनका काम भी फौरी तौर पर होना चाहिए और हमारा भी काम जो है फौरी तौर पर होना चाहिए। PHE डेली वेजेस का काम भी जो है फौरी तौर पर होना चाहिए और हमारा रेगुलर PHE। इस समय आपको बात करने का प्रयास भी करेंगे,
सारी चीजों को लेके आज आप देख सकते हैं चीफ इंजीनियर के ऑफिस में जहाँ पे आपने ताला जड़ा है उन्होंने, और बड़ी बात जो सामने आई है। और इस समय चलिए अब आपको बताते हैं, ये आपको बता रहे हैं चीफ इंजीनियर ऑफिस के बिल्कुल बाहर आज ताला झड़ दिया, और बहुत मोटा ताला झड़ दिया है। अब खुलेगा नहीं खुलेगा ये हम तो नहीं जानते, फिलहाल इनसे जाने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, चीफ इंजीनियर ऑफिस दिन ब दिन जनाब सुर्खियों में आता जा रहा है, एक तरफ डेली वेजर और एक तरफ हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज। ताला क्यों झड़ा है? ताला तो हमने रश्मि मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, तो आपके जरिए हम अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। हमें तो कोई ऐसी खुशी नहीं है कि चीफ इंजीनियर जहां ऑफिस में ताला जड़ेंगे। ये हमारा जो आज का जो प्रोटेस्ट है मजबूरी में है, जो हमारी डीपीसी है 30 साल का मसला है, हमें आए दिन लॉलीपॉप दिया जाता है, आज करेंगे कल करेंगे। गवर्नमेंट ये हमारे जो मसाइल है हल करने में वो समक्ष नहीं है, क्योंकि ये टाल मटोल करती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो डीपीसी है फौरी तौर पर होनी चाहिए, हमें जो हमारे बेनिफिट हैं जहाँ हमारी जो प्रमोशन है वो फौरी तौर पर दी जाए। हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि गवर्नमेंट को परेशान करें या आप लोगों को परेशान करें, सीआईडी को परेशान करें, कि हमने ऐसा चाहते हैं। ये ताला कब खुलेगा? खुलेगा भी आज? ताला देखो अगर चीफ साहब अंदर है, हम उनसे बात अभी कुछ नहीं, अभी उन्होंने ना बुलाया है हमें ना चलाया, कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा कि आप मिलो हमसे। ऑफिस टाइमिंग है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से बैठे हुए हैं, कोई चाय शाय पी रहे होंगे, कोई कश्मीरी कावा पी रहे होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा कमजोरी है कि हम पानी दे रहे हैं, बाहर परेशान है, खड़े हैं, तो इनको कोई परेशानी नहीं, ये मस्त है। क्योंकि वही तो कह रहे हैं अभी ऑफिस टाइमिंग है ना, अभी इनको दिक्कत भी निकल आओगे मे बी, बिल्कुल तब आपसे बात कोई बात नहीं, हम बैठेंगे फिर शाम तक बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी इतनी देर बातचीत नहीं होगी, इतनी देर हम बैठेंगे। आपको नहीं लगता ये इस तरह के विभाग जो डिपार्टमेंट है तरक्की कर रहे हैं, एक तरफ डेली वेजर बैठे और आज आप भी देखो जो डेली वेजर भाई हैं हमारे, उनका भी मसला जो है वो जेन्युइन मसला है, क्योंकि उनको फौरी तौर पर इन्होंने रेगुलाइज करना चाहिए। जो 9905 आदमी है जो थेंटी हुआ है, जिनका वो बना हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट आगे गए हुए हैं, उनको भी फौरी तौर पर इन्होंने रेगुलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े परेशानी में है, हम लोग भी परेशानी में, हमारे जो चार डिवीजन हैं जो म्यूनसिपलिटी में डेपुटेशन के तौर पर भेजे गए हुए हैं, तो वो भी परेशान है। जैसे हमें डेली वेजर और परमानेंट एम्प्लॉय को आज दिन तक वो सैलरी नहीं दी गई है, तो हम ये चाहते हैं हमारी सैलरी जो है फौरी तौर पर रिलीज होनी चाहिए, ना हर महीने जैसे पहली तारीख को बाकी डिपार्टमेंट में आती है वो उसी हिसाब से। जहाँ पे बात की थी बराबरी की, बात की जा रही थी कि बराबरी का होगा दर्जा जम्मू कश्मीर का, धारा 370 एक रोड़ा है, आज भी एक डिवीजन कश्मीर में जो जेएमसी के हवाले पर, यहाँ पर चार डिवीजन कन्वर्ट किए गए। देखो मैं आपको साफ लफ्जों में बताना चाहता हूँ, कश्मीर की वो सब एक सब डिवीजन जो है, सब डिवीजन जो होती है जहाँ एडब्ल्यू बैठ रहा है वो म्यूनसिपैलिटी के हवाले है, हमारे चार डिवीजन है जो एक्सिन होते हैं, चार डिवीजन है, जैसे सिटी वन, सिटी सेकंड, नॉर्थ और साउथ, ये चार डिवीजन है, तो चार डिवीजन म्यूनसिपैलिटी के हैंड ओवर कर दिए गए हैं। हमारा माई बाप कोई नहीं है, हमारे साथ जम्मू वालों के साथ, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जम्मू वालों के साथ पहले ही भेदभाव होता था, जो पहले हुकूमतें थी, जो पहले सरकारें थी, जैसे गुलाम नबी आजाद रहे, फरूख अब्दुल्ला रहे, चाहे मुफ्ती मोहम्मद रहे, वो कश्मीर को देते थे, जो सेंटर की गवर्नमेंट थी वो भी कश्मीरियों को खुश करती थी, अब जे वाली सरकार जो आई है, एल जी जो ड्यूटी बनी है, एल जी शासन है, ये भी उनको ही खुश कर रहा है, वही बात होगी ना, चेहरे बदले हैं, नीतियां वही हैं, ये वो हिसाब हो गया, मेरे गीत सुने सबने, मेरा दर्द न जाना कोई, हमसे काम सबने लिया है, इन अफसरों ने काम लिया है, लाली पाप देके काम लिया है, मगर हमारा दर्द नहीं जाना किसी ने, हमारा जो दुख है, हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, हमारी जो समस्या है वो हल किसी ने नहीं की, हमें हर समय लाली पाप दिया गया और मेंटली हरासमेंट किया गया है, हमें मजबूर किया गया है कि सड़कों पर आए, जो मदारी वाले बंदर बन जाए, डांस करें, इधर आके चौक में आके, हर चौक में आके जो प्रदर्शन करें, हम ऐसा नहीं चाहते थे, मगर सरकार अगर मजबूर कर रही है तो हम जो सरकार की जो मंशा है पानी बंद करने की या काम छोड़ने की, वो भी हम पूरी कर देंगे, अगर 15 दिन तक हम गवर्नमेंट को टाइम देते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं हमारा ये समस्या हल की तो हम जो पानी बंद करेंगे। साफ तौर पर परमानेंट एम्प्लॉइज का कहना है कि आज यहाँ पर चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर ताला लगाना हमारी मजबूरी है, और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर 15 दिन के अंदर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जो भी प्रदर्शन होंगे या उग्र प्रदर्शन होंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। बड़े विडम्बना की बात है, सर हमारे साथ सीनियर बैठे हैं, सर से बात जानते हैं, सर जी ये ताला आज नहीं खुल, ये आज ताला नहीं खुलने वाला है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पीएचई विभाग में पानी तो खुला है सर वो है
खुला है, वैसे भी खुला है, वैसे पानी भी खुला है। तो हमारा यहाँ का आज जो लॉकअप करने का जो हमारा मकसद है, क्योंकि वो ये है कि आज अगर हमारा चार महीनों की पहले जो इन्होंने आश्वासन दिया था, चार महीने पहले जो इन्होंने आश्वासन दिया था ऑन बिहाफ ऑफ चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो वो आश्वासन इन्होंने पूरा नहीं किया। उसमें ये था कि हमारे जो DPC नहीं हो रही है वो ऑन टाइम होनी थी, वो नहीं हुई, वो उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं हुई है। हमारे जो जिनकी प्रमोशनें हुई हैं उनको कन्फर्म करना था, वो भी नहीं हुआ। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट किए हुए हैं आजकल जहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने क्रिमिनल साइलेंस ऑब्जर्व की है, उन्होंने क्रिमिनल साइलेंस ऑब्जर्व की है। और लगता है मुझे ये है कि ये अधिकारी नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, वो जैसे लगता है कि ठेकेदार हैं। तो हमारे साथ ठेकेदारों जैसा व्यवहार, बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो हम जहाँ विवश होकर लाग इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो कर्मचारी का काम नहीं हो रहा, तो फिर इनका काम भी क्यों करने दें। तो ये हमारा ये सारा मकसद था। और हम जहाँ बैठे हैं तो जितनी देर तक ये हमें कोई आश्वासन नहीं देते हैं, कोई हमें मतलब कोई मैसेज नहीं आता, तब तक हमारा ये लॉकअप रहेगा। और हमने यही भी कहा है कि मांगे हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो मांगे तो दोहराते रहते हैं। तो आज इनको फिर एक अल्टीमेटम है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को हल नहीं किया तो फिर 15 दिन के बाद हमारा वो काम छोड़ हड़ताल का आह्वान होगा, और जिसकी तमाम जिम्मेदारी जो है इस सरकार पर होगी और ये हमारे जो अधिकारी हैं पर होगी। धन्यवाद। साफ तौर पर आप देख रहे हैं, आप हमें नंबर है, आप नंबर दीजिए, साहब से बात करने का कोशिश करते हैं। आज कैसे हालात हो गए हैं कि जी 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 सर नंबर दीजिए, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं हम चीफ इंजीनियर साहब से। अगर वो नहीं देख लेते, उठाते हैं तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो सामने है जनता के जरा। जी जी चलिए सर नंबर दीजिए, चलिए चीफ इंजीनियर साहब से हम फोन करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आज आपको बंद क्यों किया है जनाब, और कब तक ये बंद रहेगा, कि क्या इनकी जो मांगे हैं आप क्या समझते हैं, क्या उस पर अपना जी 94191 जी 88937। चलिए हमेश मनचंदा साहब सी से बात करते हैं, इंजीनियर चीफ इंजीनियर हमेश मनचंदा साहब जी। हेलो हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं सर रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिफ्ट टाइम से, बिल्कुल आपके ऑफिस के बिल्कुल बाहर से। आज यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉइज ने लॉक लगा दिया बाहर से, तो आप क्या कहना चाहते हैं, इनकी मांगे हैं, इनकी कहते हमारी कोई सुनवाई नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी 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 सर, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी जी सर बोलिए। वो भी अंडर प्रोसेस है जी, गवर्नमेंट इज अवेयर, जो जो बॉटल नेक्स है, जो पुराने SROs है या जो पुराने गवर्नमेंट ऑर्डर है जी, कुछ पोस्ट में ही है जिनमें किसी का दिक्कत आ रही है जी, वो सारे अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, उसमें कोई एक्सीडेंट चल रही है। जी जी सर, आप एटलीस्ट इनसे आकर बात तो कर ही सकते हैं ना? जी जी, जो ऐसा है, जो 20 साल से 25 साल पुराने जो नोटिफिकेशन है प्रमोशन की, उसमें काफी जगहों पे रिवीजन की जरूरत है जी, कुछ पोस्ट नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन ज्यादा चाहिए, वो सारी अंडर एक्टिव एसोसिएशन जी और शॉर्टली फाइनलाइज कर लेंगे। जी जी चलिए सर, आप इनसे बात तो कर लेंगे ना, आप बात तो कर सकते हैं ना, इनसे आके आश्वास तो करवा सकते हैं ना सर? मेरी इनसे होती रहती है बात। जी जी हमारे एम्प्लॉई जी जी, पर आज बात करने का थोड़ा अलग तरीका है ना, आज आपको तो ताला लगाकर बंद कर दिया। आज इनका प्रोटेस्ट आज ही करें, जी जी। नहीं, देखिए ना, एक प्रोटेस्ट करना और एक नाराजगी जताना दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। आज ये नाराजगी जता रहे हैं, तो इनकी नाराजगी तो आपने ही खत्म करनी है ना सर? आज जो सॉल्यूशन है, जी जी, उनके जो राइट करे, आज अगर कोई डिमांड देती है मैं बोलूँगा, जो बातें करनी है पहले भी करता रहूँ बाद में भी करूँगा। जी जी, यानी आप आके मिलेंगे इनसे सर? आज नहीं, आज इनका प्रोटेस्ट है तो ये करे, मना कर रहा हूँ। जी जी आज कल मिलूंगा इनसे।
ठीक है सर, चलिए ठीक है, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमने देखा आपको चीफ इंजीनियर जो हिमेश मंचरदा साहब ये कह रहे हैं आज इनका प्रोटेस्ट है नहीं करने दीजिए, पर कल मैं इनसे बात करूंगा, बातें होती रहती है, अगर बातें होती रहती हैं तो ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सवाल बढ़ाइए हमारा रहेगा। इस समय हमने आपको पूरे दृश्य बताए चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर, थोड़ा बाहर निकल कर भी आपसे बात करते हैं। एक तरफ नीचे का भगत साहब से कहेंगे जरा नीचे कैमरा घुमाइए जरा, एक तरफ हमारे डेली वेजर्स और दूसरी तरफ आज परमानेंट एम्प्लॉइज ने भी धावा बोला है। ये आप देख रहे हैं समय यहाँ पर जी जी बोलना मजबूर होकर धावा बोला, बिल्कुल मजबूर होकर हमने यही कहा ताला लगाया, मजबूर होकर लगाया है क्योंकि ड्यूटी पाकिस्तान बॉर्डर पर है, तो सांबा में वो अंगूठा लगाने वो तो मेरे को कहने नहीं आता, अंगूठा लगाने सांबा में आने पड़ता है। दसो उधर नौकरी करेंगे जहाँ अंगूठा लगाएंगे फील्ड में, जब फील्ड में भी लगता बिजली का तो लगता नहीं है। चीफ इंजीनियर ने कह दिया मुलाजिम खंभे पर चढ़ेगा या अंगूठा लगाएगा, ये कौन सा कानून है भाई गवर्नमेंट, जो मतलब जो नहीं भी काम होने वाला होता वो भी करवाते हैं हमारे, बाल हम खोल रहे हैं साफ तौर पर। जी जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बायोमेट्रिक भले सही है वो उन लोगों के लिए जो अपनी कुर्सी पर सिर्फ आराम करते हैं जनाब, पर जिन लोगों को कई किलोमीटर आना पड़ेगा बायोमेट्रिक करने के लिए वो नौकरी करेंगे या बायोमेट्रिक करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों आज परमानेंट एम्प्लॉइज को चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर उनके रूम के बाहर लॉक लगाना पड़ा, यानी लगातार इन लोगों की जो मांगों हैं मांगे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा। अभी हमने चीफ इंजीनियर साहब से बात भी की, उन्होंने कहा इनकी पहले भी सुनते हैं आज भी सुनेंगे, आज इनका प्रदर्शन है करने दीजिए, कल मैं इनसे बात करूंगा, यानी आज इनसे बात नहीं करेंगे। आखिर चल क्या रहा है, एक तरफ डेली वेजर और दूसरी तरफ परमानेंट एम्प्लॉइज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज इन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिन के बाद भी इनकी मांगों पर कोई असर नहीं हुआ, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो उग्र प्रदर्शन होगा, काम छोड़ हड़ताल होगी, उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी बल्कि प्रशासन और सरकार की होगी। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।